बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चीफ इलेक्शन कमीशन के बारे में, कौन अपॉइंट करता है इनको, प्रेसिडेंट जो है आपको अपॉइंट करते हैं, कौन बने हैं, सुशील चंद्रा जो है वो आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर आपके बने हैं, ठीक है ना। अब आपको जो कुछ बेसिक बेसिक चीजें हैं, ये स्टैटिक पोर्शन में आ जाता है, जस्ट एक थोड़ा स्पीडिली इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। आपका जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इट्स एन ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। इट इज वन ऑफ द बुलवर्क्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो एज अ जो इलेक्शन से रिलेटेड चीजें होते हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है देखते हैं। इट हैज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन अंडर आर्टिकल 324। इट डील्स विद पावर, इट डील्स विद फंक्शन, द टेन्योर, एलिजिबिलिटी ऑफ द कमीशन एंड द मेंबर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट हो गया। जो क्वालिफिकेशन है ध्यान से रखना, जो क्वालिफिकेशन है इट हैज नॉट बीन प्रेस्क्राइब्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, इसीलिए जो है यहाँ पे अपॉइंटमेंट आता है, ठीक है ना। ओके, तो ये वाला आपको आपको लगेगा इतनी बड़ी पोस्ट है, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया कुछ तो होगा, तो ध्यान में रखना आपको इस चीज को। फिर हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मेंबर्स क्या क्या है। स्ट्रेंथ नॉट स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो स्ट्रेंथ के बारे में भी जो है नहीं बताया गया है। प्रेजेंटली जो है इट्स अ 3 मेंबर बॉडी, ठीक है। अब आपको ये वाला पॉइंट जो है आपको इम्पोर्टेंट है, क्या कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो पार्लियामेंट के इलेक्शंस भी कंडक्ट करवाती है, स्टेट लेजिस्लेचर हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, तो इन सब की इलेक्शंस जो है ये कंडक्ट कराती है, टेन्योर एंड सैलरी जो भी आपका होगा उसमें, ठीक है ना। उसके बाद आप देखोगे कि 6 इयर्स और 65 इयर्स सैलरी इक्वल टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल नॉट डिबेट फ्रॉम फर्दर अपॉइंटमेंट, ये ओके। रिमूवल के बारे में अगर बात करेंगे, ही कैन रिजाइन एनी टाइम, कभी भी कर सकते हैं, और दूसरा इनको रिमूव भी किया जा सकता है जो भी इनके टर्म्स है वो है, तो ये समझ में आता है। ओके, अब इनका जो पूरा प्रोसेस है, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जज को पार्लियामेंट के थ्रू जो है रिमूव किया जाता है, सिमिलरली इनको भी जो है उन्हीं प्रोसेस के थ्रू जो है रिमूव किया जाता है। अब यहाँ पे देखोगे कि रेजोल्यूशन पास होगा कौन से, दोनों हाउसेस में, बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड अ स्पेशल मेजोरिटी, जो आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है कि कौन सी एब्सोल्यूट मेजोरिटी है, ठीक है ना, तो आपको ध्यान में रखना है कि इस केस में जो है स्पेशल मेजोरिटी, हम लोगों ने ऑलरेडी स्टार्टिंग में चीजों को डिस्कस करा था। ही डज नॉट होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि बहुत सारी बॉडीज ऐसी होती है, अगर आप बात करोगे सीएजी की, सो दे डू होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, तो ये आपको ध्यान में रखना है। हम बात करेंगे और इसमें, ठीक है, इंडिपेंडेंस के बारे में देख लो, सिक्योरिटी टेन्योर है, ठीक है ना, उसको ही कैन नॉट बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है ऑन द सेम ग्राउंड, ऑन द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, और जो ग्राउंड है वो कॉन्स्टिट्यूशन में दो ही चीजें, मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, ठीक है। उसके बाद ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टेट इलेक्शन कमीशन, इसके बारे में, तो रिसेंटली द सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट इंडिपेंडेंट पर्संस एंड नॉट ब्यूरोक्रेट्स शुड अपॉइंट। सुप्रीम कोर्ट ने देखिए क्या कहा है, इट हैज हेल्ड दैट द इंडिपेंडेंट पर्संस एंड नॉट ब्यूरोक्रेट्स शुड बी अपॉइंटेड टू स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, बहुत बड़ी बात दूंगी। इंडिपेंडेंट पर्संस एंड नॉट ब्यूरोक्रेट्स शुड बी अपॉइंटेड बिकॉज गिविंग गवर्नमेंट एम्प्लॉइज द एडिशनल चार्ज ऑफ स्टेट इलेक्शन कमिश्नरी इज द मॉकरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये आपको फ्रेज आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप अपने ही सिविल सर्वेंट्स को वो दोगे तो ऑब्वियसली बात है वो कभी भी स्टेट के खिलाफ नहीं जाएंगे। State should appoint independent person as election commissioner as along the length and breadth of the country. ठीक है, तो obviously बात है, तो transparency रहेगी, accountability रहेगी, जो भी constitutional powers उस post की है तो वो सही से वो exercise कर पाएगा, otherwise वो कभी भी government के अगेन जाएगा ही नहीं। Constitutional provisions में देखिए article 243 KA1, it states that the superintendence, direction and control of the preparation of electoral rolls for and the conduct of all the elections to the panchayat. ध्यान से सुनिएगा इस चीज को, जो भी पंचायत से रिलेटेड चीजें हैं, म्यूनिसिपैलिटी से रिलेटेड चीजें हैं, वो कौन देखेगा, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो है वो देखेंगे, ठीक है ना। ओके, उसके बाद 43K2 में क्या बोलते हैं, इट स्टेट्स दैट द टेन्योर एंड अपॉइंटमेंट विल बी डायरेक्टेड एज पर द लॉ मेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। तो ऑब्वियसली बात है, अगर वहां पे अगर आपका पार्लियामेंट है तो यहाँ पे आपका स्टेट लेजिस्लेचर है, ठीक है, तो ये बेसिक चीजें हैं, आई थिंक इसमें कोई समझाने वाली कोई चीजें है नहीं। उसके बाद हम बात करेंगे कुछ इश्यूज को लेके, क्या क्या है, तो सबसे पहले आपका, क्योंकि हमने देखा कि उसमें इश्यूज हैं, तो सेकेंड एआरसी रिकमेंडेशंस को चाहिए, उन्होंने ये कहा है द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर उनका जो अपॉइंटमेंट होगा वो एक कॉलेजियम के रिकमेंडेशन के द्वारा होगा, जिसमें कि आपके गवर्नर भी रहेंगे, चीफ मिनिस्टर भी रहेंगे, स्पीकर रहेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली के, और लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो आपको देखने को मिलेगा।
उसके बाद यहाँ पे बोला गया कि एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म क्रिएट करना चाहिए जिससे कि जो भी इलेक्शन कमीशन है इंडिया एंड जो भी आपके स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो कॉमन प्लेटफॉर्म में आके वो कोऑर्डिनेट कर पाए, वो एक दूसरे के एक्सपीरियंस के साथ जो है सीख पाए और जो भी रिसोर्सेज हैं वो आपस में जो है शेयर हो सकेगा। तो बेसिकली ये क्या प्रमोट कर रहा है, ये प्रमोट कर रहा है गुड गवर्नेंस को कि भाई यहाँ पे एफिशिएंट हो, इफेक्टिव हो, एफिशिएंट हो, दूसरा रेस्पॉन्सिव हो, ठीक है ना। पार्टिसिपेटरी भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि भाई स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे जो है पार्टिसिपेशन है, ठीक है। ओके, अब आ जाता है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में। तो देखो न्यूज में क्यों है, क्योंकि सेबी ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो है वो सोल्ड किया है अराउंड 695.35 करोड़, ठीक है। वो भी कितने के कितने बीच में, अप्रैल 1 से लेके 10 के बीच में, जब आपका तमिलनाडु, पुडुचेरी, वेस्ट बंगाल, असम और केरला इनमें जो है आपके पोल्स चल रहे थे। इलेक्टोरल बॉन्ड्स का कॉन्सेप्ट देखो क्या है, बेसिकली ये आपका एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। क्या बोला, इट्स अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो कि यूज करा जाता है जब आप किसी पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेट करोगे। तो अब ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स होते हैं ये मल्टीपल्स ऑफ 1,000, 10,000, 10 लाख एंड करोड़, इनकी कोई लिमिट नहीं है। तो ये आपका प्रिलिम्स पॉइंटर आपको ध्यान में रखना है कि इलेक्टोरल बॉन्ड की कोई लिमिट नहीं है। स्टेटमेंट ऐसे आ सकता है इट हैज अ लिमिट ऑफ 1 करोड़ ओनली, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज ऑथराइज्ड टू इशू। अब इसको कौन सी बैंक इशू करेगा, इसको सिर्फ करेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पूछा जा सकता है कि आपका आरबीआई करेगा, तो ध्यान में रखना नहीं। इट इज ऑथराइज टू इशू एंड एनकैश दीज बॉन्ड्स विच आर वैलिड फॉर 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द इशुएंस, ठीक है ना। दीज बॉन्ड्स आर रिडीमेबल इन द डिजिग्नेटेड अकाउंट ऑफ अ रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी। तो पॉलिटिकल पार्टी जो है पॉलिटिकल पार्टी जो इससे अपना इसको पैसे मिलते हैं, ठीक है ना। दीज बॉन्ड्स आर अवेलेबल फॉर परचेज बाई एनी पर्सन हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया और इनकॉर्पोरेटेड और एस्टैब्लिश इन इंडिया, ठीक है ना। ये आपको ध्यान में रखना है फॉर ये आपका 10 दिन वाला हो गया, ठीक है। पर्सन बीइंग एन इंडिविजुअल कैन बाय बॉन्ड्स आइदर सिंगली और जॉइंट विद, ठीक है, सिंगल भी खरीद सकता है एंड वो किसी के साथ मिलके भी जो है ये खरीद सकता है। डोनर्स, अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें जो इशू है ये न्यूज में इसीलिए है कि इसमें ये बताया गया है कि कौन, मान लो कि आपको जो है इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू पैसे आपको किसी पॉलिटिकल पार्टी में भेजना होगा तो आपका नाम जो होगा इसमें मेंशन ही नहीं होगा कि किसने कितने पैसे भेजे, पहली चीज। दूसरा, इसके चलते एनोनिमिटी रहती है, इसके चलते एसिमेट्रिकली ओपेक मैकेनिज्म है और ये जो है इन सब की वजह से जो है ब्लैक मनी जो है वो अपने इलेक्टोरल या फिर इलेक्शन प्रोसेस में जो है ब्लैक मनी जो है घुस जाता है। क्योंकि कल को मान लो कि मैंने बीजेपी को पैसे देना चाहता हूँ बट पता ही नहीं कि पैसे जो है किसने दिए, गेटिंग माई पॉइंट। तो इस चीज के लिए जो है इसका मिसयूज जो है बात करी गई है कि इसका मिसयूज जो है ये हो सकता है। तो जो भी आपका ब्लैक मनी है उसको फॉर्मल इकोनॉमी में डालने के लिए जो है इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये कॉन्सेप्ट आता है आपका स्टार कंटेनर का। तो इसमें क्या बोला है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उन्होंने डीलिस्ट कर दिया है ए राजा को फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द स्टार कंटेनर, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, तो स्टार कंटेनर के बारे में अगर हम बात करेंगे, द सेलिब्रिटी वोट सीकर इन एन इलेक्शन फॉर अ पार्टी। तो जो भी आपका सेलिब्रिटी वोट सीकर है इलेक्शन में पार्टी के लिए, जैसे कि आप देखोगे कि इलेक्शन चाहे स्टेट लेवल हो चाहे नेशनल लेवल हो आपका प्राइम मिनिस्टर का जो है वो नाम आता है। दूसरा यहाँ पे ये बोला है देयर इज नो लॉ गवर्निंग हु कैन और कैन नॉट बी मेड अ स्टार गवर्नर। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कोई लॉ नहीं है हमारे पास। दे आर नॉमिनेटेड बाय द कंसर्न पॉलिटिकल पार्टीज स्पेसिफाइंग देयर कॉन्स्टिट्यूएंसीज एंड ड्यूरेशन ऑफ द स्टेटट। तो ये जो आपकी पॉलिटिकल पार्टीज होती है नॉमिनेट करती है और इसके रिगार्डिंग जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो आपके मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को जो है वो गाइडलाइन इशू करते हैं सो दैट की पोल कैंपेन्स को वो रेगुलेट कर सके, ठीक है। नंबर ऑफ स्टार कैंपेनर्स की अगर आप बात करोगे तो ध्यान से सुनना, जो भी आपकी रिकॉग्नाइज्ड नेशनल या फिर स्टेट पार्टी है, जो भी रिकॉग्नाइज्ड नेशनल या फिर स्टेट पार्टी है वो मैक्सिमम जो है 40 स्टार कैंपेनर्स को नॉमिनेट कर सकती है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे रिकॉग्नाइज की बात करें तो अनरिकॉग्नाइज का क्या है कि जो भी पार्टी अनरिकॉग्नाइज्ड है मैक्सिमम जो है वो 20 स्टार कैंपेनर्स को नॉमिनेट कर सकती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब सवाल ये कि जरूरत क्यों पड़ती है इसकी। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कीप्स अ टैब ऑन द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय इंडिविजुअल कैंडिडेट्स ड्यूरिंग द कैंपेन। अब यहाँ पे बोला क्या गया है कि जो एक्सपेंडिचर है, क्योंकि देखो मैंने जैसे कि कहा कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू जो है ब्लैक मनी बहुत ज्यादा आता है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम है कि जो भी आपकी खर्चा हो रहा है इलेक्शन से रिलेटेड उसमें एक लिमिट हो, उसमें ऐसा नहीं हो कि पानी की तरह जो है पैसा
बढ़ा दिया जा रहा है। तो लिमिट क्या है? लिमिट यह है कि 70 लाख फॉर मोस्ट स्टेट्स इन वन कॉन्स्टिट्यूएंसी, तो एक कैंडिडेट एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 70 लाख तक जो है वो आपका खर्चा कर सकता है। दूसरा, एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन इलेक्शनियरिंग बाय द स्टार कैंपेनर इज नॉट एडेड टू द कैंडिडेट्स पोल एक्सपेंडिचर। तो उस पार्टी के लिए जो भी आपका स्टार कैंपेनर होगा वो आपकी जो जो कैंडिडेचर की उसमें जो है वो नहीं आएगा। तो बोलने का मतलब ये है कि इससे ज्यादा स्कोप मिल जाता है खर्चा करने का, जो है ज्यादा स्कोप मिल जाता है। आपने एक जगह लिमिट लगाई है, दूसरी जगह आप बोल रहे हो कि वो उसमें वो नहीं होगा। However, for an additional candidate to get relief from the campaign expenditure, the star campaigner has to limit oneself to general campaigning for the party. तो इसको क्या होगा? General campaigning में होंगे। और ये सारा का सारा क्या है? According to the Representation of Peoples Act 1951, these expenses will be borne by the political parties. ये जो खर्चा होगा, इसीलिए electoral bonds के through जो है पार्टी जो है वो पैसे इकट्ठा करती है। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा, Prime Minister as a star campaign. The model code of conduct guidelines say when a prime minister or a former prime minister is a star campaigner, जो भी आपका expenditure होगा, ठीक है, including आपका security की बात करोगे या फिर आप vehicles की बात करोगे, तो वो कौन उठाएगा? वो आपकी सरकार उठाएगी, ठीक है ना? And will not be added to the election expenses of the party or the individual candidate. ना तो वो expenditure party में party के account में जाएगा और ना ही आपका individual के candidate में जाएगा। However, if the another campaigner travels, अगर मान लो इनके साथ ही जो है कोई वो जाता है कि कोई दूसरा कैंपेनर जो है जाते हैं कैंपेन करने के लिए, the individual candidate have to bear 50% of the expenditure incurred on the security arrangement. Okay, तो ये आपको ध्यान में देना है। फिर हम बात करेंगे registered recognized parties के बारे में। तो रिपोर्ट पाएगा किसके द्वारा? A report by the Association for Democratic Reforms presented several findings on registered unrecognized political parties. तो इसमें क्या है देखते हैं। इसमें बात करेंगे कि रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज के बारे में कुछ क्राइटेरिया भी तो होगा, कुछ कंडीशंस भी तो होंगी, तो देखेंगे वो क्या है। इफ अ पार्टी सैटिस्फाइज एनी वन ऑफ द बिलो मेंशन्ड क्राइटेरिया देन दे आर कॉल्ड रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी। क्या है? इफ द पॉलिटिकल पार्टी इज न्यूली रजिस्टर्ड, कि भाई नई नई पार्टी आई है, समझ में आ गया। इफ द पॉलिटिकल पार्टी इज नॉट सिक्योर्ड एनफ परसेंटेज ऑफ वोट्स इन असेंबली और जनरल इलेक्शंस टू बिकम अ स्टेट पार्टी, तो उस केस में भी जो है आपको अनरिकॉग्नाइज्ड ही माना जाएगा। पॉलिटिकल पार्टीज दैट नेवर कंटेस्टेड इन इलेक्शंस सिंस दे गॉट रजिस्टर्ड विद इलेक्शन कमीशन, तो उस केस में भी भाई आपका आपका क्योंकि रजिस्टर्ड है तो इसीलिए, पर रिकॉग्नाइज्ड नहीं है, समझ में आया। दीस पार्टीज डोंट एंजॉय ऑल द बेनिफिट्स एक्सटेंडिंग टू द रिकॉग्नाइज्ड पार्टी सच एज रिजर्विंग अ सेपरेट सिंबल फॉर द पार्टी, सब्सिडाइज्ड लैंड फॉर पार्टी ऑफिस। इस टाइप की फैसिलिटीज जो है ये अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज को नहीं मिल पाती है। और क्या क्या है इसमें? ये पाया गया द नंबर ऑफ द रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज हैज इंक्रीज्ड टू टू फोल्ड। तो पहले कितनी थी? पहले इतनी पार्टी थी 2020 में, और उससे बढ़ के जो है कितना हो गया? 2301 इन 2019। तो ये आपकी रिपोर्ट आई है। उसके बाद देखो स्टेट वाइज की अगर बात करो कि इसमें ये जो डेटा था उसके अगर हम स्टेट वाइज चले जाएंगे तो 653 तो आपकी यूपी में ही है। दिल्ली में फिर आपकी 291 पार्टीज है, तमिलनाडु में आप देखो 184 पार्टीज है, ठीक है ना? ओके। और इसमें क्या है? डोनेशंस की अगर बात करो, दीज पार्टी रिसीव्ड, दीज पार्टीज इनको 90 करोड़ रुपए का जो है, और इतने डोनर्स से जो है पिछले टू फाइनेंशियल ईयर से जो इतनी इनको इतना रिसीव हुआ है, ठीक है? तो ये सारा अपना अपना वो है, इसमें कुछ इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। अब बात करेंगे जो मेन है वो है रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, किस तरीके से रजिस्टर किया जाता है। तो इसमें हम देखेंगे कि द इलेक्शन कमीशन हैज रिसीव्ड एन एप्लीकेशन। आपने देखा होगा कि पंजाब में टसल चल रहा था, पावर टसल चल रहा था, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जो है उन्होंने उन्होंने अपनी एक नई पार्टी खोल ली, ठीक है ना, जिसका नाम है पंजाब लोक कांग्रेस पार्टी। और ये किसके तहत हुआ है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। अब ये जो रजिस्ट्रेशन वाला जो होता है ये किसमें होता है? आपका रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज 1951। तो इसमें क्या बोला गया है? एनी पार्टी सीकिंग रजिस्ट्रेशन हैज टू सबमिट एन एप्लीकेशन टू द कमीशन विद इन द पीरियड ऑफ 30 डेज, ठीक है? इट इज इन कीपिंग विद द गाइडलाइंस प्रेस्क्राइब्ड बाय द कमीशन इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स। तो ये जो पावर मिली है वो कहां से, ये जो कमीशन है वो पावर कहां से डिराइव करता है? आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है? एलिजिबिलिटी क्या क्या है बात करेंगे कि नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के लिए जो है क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वेरा स्टेट पॉलिटिकल पार्टी के लिए जो है क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, देखते हैं। तो इसके लिए क्या है कि सिक्योर एटलीस्ट 6%
कम से कम 6% जो है वो वैलिड वोट होना चाहिए असेंबली में या फिर लोकसभा जनरल इलेक्शन असेंबली में इन एनी फोर और मोर स्टेट्स एंड वन एटलीस्ट फोर सीट्स इन द लोकसभा। तो मिनिमम जो है अगर आपको रिकॉग्नाइज होना है तो आपको ये क्राइटेरिया जो है फुलफिल करना पड़ेगा। विन एटलीस्ट 2% ऑफ द टोटल लोकसभा सीट्स इन द लोकसभा जनरल इलेक्शंस एंड दीज सीट्स हैव टू बी वन फ्रॉम एटलीस्ट 3 स्टेट्स। ठीक है, द पार्टी इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ स्टेट पार्टी इन एटलीस्ट 4 स्टेट्स। तो ये आपका यहाँ पे आप इसको एक बार पढ़ लोगे, मुझे लगता नहीं कि इसमें कोई इश्यू ऐसा होना चाहिए। सवाल ये होना चाहिए कि सर इस टाइप की क्राइटेरिया को क्यों रखा गया। सबसे पहला रीजन है कि हमारा पॉपुलेशन आप देख रहे हो कि 130 करोड़ की आबादी है और इस आबादी में से जो है हर कोई जो है गली मोहल्ले में जाके अगर उसने पार्टी इस तरीके से बना ली, ठीक है ना, तो वो भी तो चाहेगा कि भाई मैं भी इलेक्शन लड़ूंगा। बट क्योंकि द फर्स्ट थिंग इतना ज्यादा पैसा इन्वॉल्व होता है और क्राइटेरिया सेट होते हैं, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है तो उनका अपना क्राइटेरिया सेट होता है। तो इस तरीके से रखा गया है कि इजिली जो है कोई भी कल उठ के जो है पार्टी फॉर्मेशन ना करे, ठीक है ना। अब जैसे आपको अगर देखोगे तो आप आई थी आई थिंक 2014 में, आई थिंक आपकी पार्टी आई थी, तो आते के साथ ही जो है उन्होंने जनरल इलेक्शंस भी लड़ा, ठीक है ना, उन्होंने रजिस्टर्ड करवाया, पहले दिल्ली में सीट जीती। तो इस तरीके से जो है अब देखो धीरे धीरे, पहले अभी दिल्ली में रही, फिर आपने देखा कि रिफॉर्म्स आपके कुछ इस तरीके से आए कि जो उसमें जो नया अमेंडमेंट जो पास हुआ था जिसमें गवर्नमेंट की डेफिनेशन को ये बताया गया था कि गवर्नमेंट का मतलब है वहां के गवर्नर। तो इसीलिए जो है देखो जो आपकी जो पार्टी है वो दिल्ली से निकल के वो चली गई कहाँ पे, वो चली गई आपकी उत्तराखंड में आ गई और साथ के साथ जो है वो आपकी पंजाब में जो है पंजाब में भी आपकी आ गई। तो पंजाब और दिल्ली में जो है अभी आपकी सरकार है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप देखोगे कि अदर स्टेट्स में भी जाएगी, ठीक है ना। तो ये स्टेट पार्टी से जो निकल के ये नेशनल पार्टी का जो स्टेटस जो है इसको अचीव करना है और उसके लिए कुछ क्राइटेरियाज मेट होते हैं जो कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये लोग अचीव करेंगे। तो बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, तो सवाल ये कि अनरिकग्नाइज से रिकग्नाइज में आने के लिए बेनिफिट्स क्या क्या मिलते हैं। तो सबसे पहले अ पार्टी रिकग्नाइज एज अ स्टेट पार्टी गेट्स अ रिजर्व सिंबल मिलता है, ठीक है ना। और नेशनल पार्टी जो है, ध्यान से सुनना, रिजर्व सिंबल कैन बी यूज्ड अक्रॉस द कंट्री फॉर इट्स कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स। तो ये भी समझ में आता है। सच पार्टीज नीड ओनली वन प्रपोजर, हम लोगों ने बात करी थी प्रपोजर के, तो इस सब पार्टीज में क्या होता है सिर्फ आपको एक प्रपोजर चाहिए होता है नॉमिनेशन को फिल करने के लिए, ठीक है। उसके बाद टू सेट्स ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट, एंटाइटल्ड टू ब्रॉडकास्ट टेलीकास्ट ओवर स्टेट ओन्ड आकाशवाणी दूरदर्शन ड्यूरिंग द जनरल इलेक्शंस। एंड वन एडवांटेज की भाई पार्टी ऑफिस के लिए जो है इनको सब्सिडाइज्ड रेट्स पे जो है इनको लैंड ऑफरिंग जो है या फिर लैंड की प्राइसेस इनको मिलते हैं। उसके बाद देखो क्या है, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू फ्रीज द इलेक्शन सिंबल ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। तो जानेंगे कि स्कीम में क्या है। तो अगर आप टाइप्स के बारे में बात करोगे तो एज पर द इलेक्शन सिंबल ऑर्डर 2017 पार्टी सिंबल्स या तो वो रिजर्व हो सकते हैं या तो वो फ्री हो सकते हैं। 8 नेशनल पार्टीज एंड 64 स्टेट पार्टीज अक्रॉस दे हैव द रिजर्व सिंबल। फ्री का मतलब ये है द इलेक्शन कमीशन हैज ऑल्सो पूल ऑफ नियरली 200 फ्री सिंबल्स that are allotted to the thousands of unrecognized regional parties that pop up before elections. तो election से पहले जो भी आपकी political parties होती हैं, तो उनके लिए जो है ये elections हैं। अब यहाँ पे देखो है क्या? A party candidate has to provide a list of 3 symbols from the election commission's free symbols list at the time of nomination, fill करते time जो उनको symbol देना होता है, जिसमें से कि एक सिंबल का जो अलॉटमेंट होता है वो होता है फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस के ऊपर। व्हेन अ रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी स्प्लिट्स, इलेक्शन कमीशन टेक्स अ डिसीजन ऑन असाइनिंग द सिंबल। तो मान लो कि कल बीजेपी में जो है आपका ये हो गया, क्या बोलते हैं, स्प्लिट हो गया, तो कौन सी पार्टी के पास हो जाएगा, तो वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो डिसाइड करेगी। तो आई थिंक इसमें पावर इलेक्शन कमीशन इन अ डिस्प्यूट ओवर द इलेक्शन सिंबल, तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं। जो आपका जो पॉलिटिकल पार्टी का जो ये होगा ना, ध्यान से देखना, द क्वेश्चन ऑफ द स्प्लिट इन अ पॉलिटिकल पार्टी आउटसाइड द लेजिस्लेचर इट इज डेल्ट बाय पैरा 15 ऑफ द सिंबल्स ऑर्डर एक्ट, ठीक है ना। तो जो भी स्प्लिट होगा तो ध्यान में रखना ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में नहीं है, ये है सिंबल्स ऑर्डर में। ओके, इट स्टेट्स दैट द इलेक्शन कमीशन मे टेक इनटू अकाउंट ऑल द अवेलेबल फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस एंड अंडरटेक द टेस्ट ऑफ द मेजोरिटी, ठीक है ना। तो इलेक्शन सिंबल के लिए जो है ये होगा कि भाई मेजोरिटी किसके पास ज्यादा है। दूसरा यह है कि द डिसीजन ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया शैल बी बाइंडिंग ऑन सच राइवल सेक्शन ऑफ द ग्रुप इमर्ज आफ्टर द स्प्लिट। तो जो भी इलेक्शन कमीशन का डिसीजन होगा वो आपका बाइंडिंग होगा।
हम बात करेंगे दिस अप्लाइज टू डिस्प्यूट्स इन रिकॉग्नाइज नेशनल एंड स्टेट पार्टीज, ठीक है, फॉर स्प्लिट्स इन रजिस्टर्ड बट अनरिकॉग्नाइज पार्टीज इलेक्शन कमीशन यूजली एडवाइजेस द वेरिंग फैक्शंस टू रिजॉल्व द डिफरेंसेस इंटरनली एंड नॉट टू अप्रोच द कोर्ट, ठीक है, क्योंकि फालतू में आपका वो फिर केस पे केस बढ़ेगा. अब यहाँ पे कुछ अमेंडमेंट लेकर आए गए तो देखते हैं क्या है. इलेक्शन लॉज 2021 वॉज पास्ड इन द लोकसभा. द बिल सीक्स टू लिंक इलेक्टोरल रोल डाटा एंड वोटर आई डी कार्ड्स विद द आधार इकोसिस्टम, ठीक है, तो आधार के साथ जो है इसको बोला गया है कि भाई इसको लिंक करो. क्या है लिंकिंग आधार टू द वोटर आई डी, टू अलाउ द इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर टू आस्क फॉर आधार नंबर फॉर पर्सन ऑलरेडी इंक्लूडेड इन इलेक्टोरल पोल फॉर द पर्पज ऑफ ऑथेंटिकेशन ऑफ द एंट्रीज, ठीक है ना. तो यहाँ पे क्या है ऑथेंटिकेशन की बात करेंगे सो दैट कि एक चेक रहेगा. अदरवाइज क्या होगा कि आपके पास जो है आप जो है बहुत सारा इसमें क्रिमिनलाइजेशन होता है, उस चीज से बचने के लिए जो है इस टाइप की चीजें जो है वो आई है. पर यहाँ पे ये बोला गया कि वॉलंटरी लिंक आधार डाटा टू इलेक्टोरल, नो एप्लीकेशन फॉर इंक्लूजन ऑफ नेम इन द इलेक्टोरल रोल शैल बी डिनाइड एंड नो एंट्रीज इन द इलेक्टोरल रोल शैल बी डिलीटेड फॉर इनएबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू फर्निश और इंटीमेट आधार नंबर ड्यू टू सच. ये ठीक है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं, आप लोग इसमें पढ़ सकते हो इसमें. उसके बाद बोला गया है कि जेंडर न्यूट्रलिटी लेकर आएंगे. लैंग्वेज फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ वाइव्स एंड द सर्विस वोटर विल नाउ बी रिप्लेस्ड बाय स्पाउस. तो इससे क्या होगा आपका जेंडर न्यूट्रल को प्रमोट करेंगे. उसके बाद अगर आप रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 में देखो तो उसके काफी सेक्शंस को जो है आपके इसको अमेंड किए जाएंगे. जैसे कि आपका सेक्शन 23 विल बी अमेंडेड टू अलाउ लिंकिंग ऑफ इलेक्टोरल रोल डेटा विद आधार सिस्टम टू कवर द मिनट्स ऑफ मल्टीपल एनरोलमेंट. तो ऐसा होता है कि सेम पर्सन का जो है अलग अलग जगह पे जो है अलग अलग एनरोलमेंट होता है, तो उस चीज को रोकने के लिए जो है जो भी आपका इलेक्शन कार्ड होगा उसको आधार के साथ जो है वो जोड़ दिया जाएगा. ये समझ में आ गया. फिर बोला गया सेक्शन 14 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950. इसमें क्या करेंगे, विल अलाउ हैविंग 4 क्वालिफाइंग डेट्स फॉर एलिजिबल पीपल टू रजिस्टर एट वोटर्स. तो ठीक है, इसमें इतना कुछ आपका है नहीं. फिर बात करेंगे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में. तो आपको पता है कि इलेक्शन से पहले जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो लेके आती है. तो बात करेंगे रिसेंटली द अनाउंसमेंट ऑफ द इलेक्शन 5 स्टेट्स. कहाँ कहाँ पे हुआ, यूपी में हुआ, मणिपुर में हुआ, गोवा में हुआ, उत्तराखंड में हुआ, पंजाब में, ठीक है. अब एमसीसी है क्या, इट इज अ सेट ऑफ गाइडलाइन इशूड बाय द इलेक्शन कमीशन टू रेगुलेट पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स प्रायर टू इलेक्शन. समझ में आता है. अब इसमें जो भी आर्टिकल 324 के तहत इलेक्शन कमीशन को पावर दी गई है तो उसके तहत जो है ये सुपरवाइज या फिर ये देख सकते हैं कि भाई जो इलेक्शन हो रहा है वो फ्री एंड फेयर हो रहा है कि नहीं हो रहा. तो इस पावर, ये जो पावर है ना वो डिराइव करती है आर्टिकल 324 से. द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज ऑपरेशनल फ्रॉम द डेट ऑन विच द इलेक्शन कमीशन इज अनाउंस. तो जब से आपका इलेक्शन वो शेड्यूल लॉन्च होगा तो तब से जो है आपका एमसीसी जो है वो आपका ऑपरेशनल हो जाएगा. एवोल्यूशन को अगर आप देखने को मिलोगे 1960 में एवोल्यूशन हुआ. ये पहले जो है स्टार्ट हुआ था असेंबली केरला से, ये स्टार्ट हुआ था. उसके बाद लोकसभा का इलेक्शन आया 1962 में. उसके बाद आप देखोगे कि इट वॉज इन 1999 आफ्टर रिपीटेड फ्लाउटिंग ऑफ द इलेक्शन नॉर्म्स एंड कंटिन्यूड करप्शन द ईसी डिसाइडेड टू एनफोर्स द. तो पहले तो था कि ठीक है चल रहा है, बट इसके बाद जब आपका करप्शन देखा गया, उसके बाद ये देखा गया कि इलेक्शन नॉर्म्स पे जो है लोग सही से मान नहीं, तो उसको जो है स्ट्रिक्टली एनफोर्स जो है करवाया गया. अब इसमें है क्या, देखो इलेक्शन कमीशन हैज डिवाइज्ड सेवरल मैकेनिज्म्स टू टेक नोट ऑफ द वायलेशन ऑफ द कोड. तो इसमें बोला गया है कि भाई आपको जो है ये चीजें जो है नहीं करना. फॉर एग्जाम्पल आपको रिलीजियस बेसिस के ऊपर जो है नहीं करना. आप देखो कि इलेक्शन के टाइम पे जो है पैसा, पिस्तौल और ये जो है आपका अल्कोहल, ये सारी चीजें पकड़ी जाती. तो ये सारी आपकी इलेक्टोरल टैक्टिक्स होती है जिसके थ्रू की जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो वोटर्स को अट्रैक्ट करती है. द लेटेस्ट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द सी विजिल. तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये सी विजिल आप जो है ये किसका है. तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से बनाया गया है कि भाई जो भी आपका ऑडियो विजुअल एविडेंस होगा, जो भी मैल प्रैक्टिसेस हो रही है उसको जो है आप रिपोर्ट कर सकते हो. लिमिट के बारे में देखते हैं कि लिमिट के बारे में क्या कहा है इन्होंने. रिसेंटली द एक्सपेंडिचर लिमिट फॉर द कैंडिडेट फॉर द लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी वॉज इंक्रीज फ्रॉम. तो हमने ऑलरेडी इसके ऊपर बात करी कि अभी कितना हो गया आपका, हो गया 70 लाख, ठीक है ना. उसके बाद आप देखोगे कि इसको 75 से 95 जो है कर दिया गया है बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है.
चेंजेस क्या क्या बताए गए? तो चेंजेस यही बताया गया कि भाई जो असेंबली में जो स्पेंडिंग लिमिट होगी उसको 20 लाख से लेके जो है उसको अभी कर दिया है 40 लाख, ठीक है ना। तो देखो ये रेंज रखा हुआ है, ठीक है ना, 70 to 95 का रेंज रखा हुआ है। अब आसाम जो है इतना स्पेंड नहीं करेगा, ठीक है ना। तो हर जो जिस तरीके से जो आपकी स्टेट की नीड होगी या जो जैसा स्टेट होगा तो उस हिसाब से जो है स्टेट के ऊपर जो है डिपेंड करता है। द इनहेंस्ड अमाउंट ऑफ 40 लाख वुड अप्लाई उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एंड पंजाब एंड 20 लाख इन गोवा एंड मणिपुर, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद ये आया कहाँ से? ये आया सेक्शन 77 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट। एवरी कैंडिडेट शैल कीप अ सेपरेट एंड करेक्ट अकाउंट ऑफ ऑल द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बिटवीन द डेट ऑन व्हिच दे हैव बीन नॉमिनेटेड एंड द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। तो जिस दिन नॉमिनेट हुआ और जिस दिन आपका रिजल्ट आया तो उसके बीच में कितना खर्चा हुआ है ये उनके पास रहना चाहिए। ऑल कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट देयर एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया विद इन 30 डेज। तो 30 दिन के अंदर जो है उसको उनको ये एक्सपेंडिचर का जो स्टेटमेंट है कंप्लीट करके सेंड करना है। एन इनकरेक्ट अकाउंट और एक्सपेंडिचर बियॉन्ड द कैप कैन लीड टू डिसक्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट बाय द ईसी फॉर अप टू 3 ईयर। अगर गलती हुई फिगर्स में तो उन जो कैंडिडेट होगा उसको डिसक्वालीफाई भी कर सकती है। रिकमेंडेशन की अगर आप बात करोगे स्टेट फंडिंग में तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा इंद्रजीत गुप्ता कमेटी। आपको ये ध्यान में रखना है कि व्हाट इज दिस इंद्रजीत गुप्ता कमेटी रिलेटेड टू। इन्होंने ये कहा कि स्टेट फंडिंग वुड इंश्योर अ लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर पुअरर पॉलिटिकल पार्टीज एंड आर्ग्यू दैट सच अ मूव वुड बी इन पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है। तो लिमिट लगाना जायज था, क्यों? क्योंकि उससे जो आपकी पुअर पॉलिटिकल पार्टीज है ना तो वो भी जो है इलेक्शंस लड़ सकती है। फिर आपकी 1999 में लॉ कमीशन की रिपोर्ट है, उन्होंने ये कहा इट स्टेटेड दैट अ स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन इज डिजायरेबल प्रोवाइडेड दैट द पॉलिटिकल पार्टीज आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम टेकिंग फंड्स फ्रॉम द अदर सोर्सेज, ठीक है, ये भी समझ में आता है हमें। फिर आप देखोगे इसमें बात करी गई है नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो कि 2000 में इनको बैठाया गया था। इन्होंने जो है दे डिड नॉट सपोर्ट द आइडिया बट मेंशन दैट द एप्रोप्रिएट फ्रेमवर्क फॉर द रेगुलेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज नीड टू बी इम्प्लीमेंटेड बिफोर स्टेट फंडिंग इज रिक्वायर्ड। एक बहुत बड़ा इशू आता है आपका राइट टू इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड कि बहुत लोगों का कहना है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है इनको डाल दो आरटीआई के अंदर तो सो दैट कि हमें भी पता चलेगा। पर आरटीआई के अंदर जो है बट पॉलिटिकल पार्टीज बोलती हैं कि भाई हम तो गवर्नमेंट के उसमें आते ही नहीं है, गवर्नमेंट के डेफिनेशन में तो हम आते ही नहीं, तो और ना ही ये आपका पब्लिक ऑफिस है, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है ये गेम आपका चल रहा है। फिर हम बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर डीलिमिटेशन कमीशन के बारे में। तो रिसेंटली इन इट्स इंटरिम रिपोर्ट द जम्मू एंड कश्मीर डीलिमिटेशन कमीशन हैज प्रपोज्ड सिग्निफिकेंट चेंजेस टू द इलेक्टोरल मैप ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। अब ये जो डीलिमिटेशन एक्सरसाइज जो स्टार्ट हुआ ये आपका जून में स्टार्ट हुआ था, इनकी कुछ फाइंडिंग्स तो देखेंगे क्या है। तो ये पाया गया कि जो जम्मू एंड कश्मीर जो पहले स्टेट था उसमें 87 नंबर ऑफ असेंबली और आपके 37 कॉन्स्टिट्यूएंसीज थे जम्मू रीजन, ठीक है ना। उसके बाद 46 कश्मीर में थे और 4 आपके लद्दाख में थे। बिसाइड्स 24 सीट्स आर रिजर्व्ड एंड वैकेंट। आप देखोगे कि पीओके वाले एरिया में भी जो है आपको वहां के असेंबली में सीट्स मिलेंगी। तो जम्मू एंड कश्मीर लॉस्ट इट्स स्पेशल स्टेटस and was divided into two union territories. आपको पता है कि 370 आर्टिकल आपको ध्यान में होगा, तो उसके बाद जो है जम्मू एंड कश्मीर को आपको यूनियन टेरिटरी का दर्जा जो है दे दिया गया और उसी को बना दिया गया जम्मू एंड कश्मीर और आपका लद्दाख, ठीक है। उसके बाद देखो मेजर रिकमेंडेशंस क्या क्या है। द कमीशन हैज एज पर द मैंडेट ग्रांटेड अंडर द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट एडेड 7 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज टू जम्मू एंड कश्मीर, जिससे कि जो टोटल सीट हो गई वो आपकी हो गई 90 के पीछे ये भी बहुत बड़ा रीजन है कि वहां पर रिप्रेजेंटेशन जो है वो आपका होना चाहिए। हम लोगों ने स्टैटिक पोर्शन में बात करा था एमएलए एमपीस के बारे में, अगर आपको ध्यान होगी चीजें, ठीक है ना। तो इंटरिम रिपोर्ट प्रपोजेस एन इंक्रीज ऑफ 6 सीट्स, ठीक है, टेकिंग द नंबर। तो जम्मू प्रोविंस की अगर आप बात करोगे, ठीक है ना, जम्मू प्रोविंस की अगर आप बात करोगे तो वहां पे जो है ये 43 है और कश्मीर प्रोविंस की अगर आप बात करोगे तो इस टाइप की जो है उन्होंने चीजें बोली है इसमें, और तो इसमें कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, देखिए अब क्या क्या है। 7 सीट्स ऑफ एससी हिंदूज दैट मेनली पॉपुलेट द सांबा कथुआ जम्मू उधमपुर बेल्ट, 9 सीट्स फॉर एसटीज विच विल हेल्प गुज्जर बकरवाल, एंड ये जो सारी जो ये है नॉन कश्मीरी स्पीकिंग मुस्लिम,
ठीक है ना, जो कि इस रीजन में रहती हैं। सिंपल सा एक चीज आपको समझना है कि रिप्रेजेंटेशन सबका हो, इसलिए जो है सीट्स को बढ़ाने की जो है बात करी गई है। अब बात करेंगे इसके बॉडी के बारे में। ये जो डिलिमिटेशन कमीशन है, इनको इनको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और ये जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ कोलैबोरेशन में ये काम करते हैं। समझ में आया? आप अगर मेंबर्स की बात करोगे, अ सर्विंग और द रिटायर्ड, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और एन इलेक्शन कमिश्नर नॉमिनेटेड बाय, इतना तो ठीक है, ये समझ में आता है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। फंक्शंस की अगर आप बात करोगे, डिटरमाइन द नंबर ऑफ बाउंड्रीज, तो हर सेंसस के बाद जो है आपको पता होगा डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो आपकी बैठाई जाती है, सो दैट की बाउंड्री को जो है रिड्रॉ करें, सो दैट की जो भी आपका पॉपुलेशन बड़ा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसको रिप्रेजेंटेशन जो है मिल सके। ठीक है, डिलिमिटेशन कमीशन की अगर आप बात करोगे, इट्स अ हाई पावर बॉडी, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका हो जाता है। क्या? डिलिमिटेशन इट्स अ हाई पावर बॉडी एंड हुज ऑर्डर्स हैव द फोर्स ऑफ लॉ, और इसको जो है किसी भी कोर्ट में क्वेश्चन नहीं किया जाता। अगर आप बात करो कितनी बार सेटअप हुआ है, तो आप लोग ये देख सकते हो। इसके बाद हम बात करेंगे 15th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन के तहत क्या क्या बात बोली गई है। रिसेंटली द गवर्नमेंट एक्सेप्टेड द 15th फाइनेंस कमीशन टू रिकमेंडेशन टू मेंटेन द स्टेट शेयर। जैसे कि मैंने कहा था पहले कितना था 42, अब हो गया है कितना 41, ठीक है ना। इसको कॉन्स्टिट्यूट कौन करेंगे? प्रेसिडेंट करेंगे। चेयरमैनशिप, चेयरमैन किसके पास, इस बार की चेयरमैनशिप किसके पास थी? एनके सिंह के पास थी। ठीक है, तो ये कब से रिकमेंडेशन, मतलब जो रिकमेंडेशन का पीरियड रहेगा यहां से लेके यहां तक। अब बात करेंगे फाइनेंस कमीशन, आपको ध्यान में रखना है कॉम्पोजिशन एक चेयरमैन होंगे, 4 अदर मेंबर्स होंगे, क्वालिफिकेशन जो भी पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। पार्लियामेंट डिसाइड करने का मतलब ये है कि आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ नहीं दे रखा। ठीक है, हर 5 साल के बाद जो है प्रेसिडेंट जो है इनको अपॉइंट करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आर्टिकल 280 आपको ध्यान में रखना है, 324 आपको ध्यान में रखना है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और 280 आपको ध्यान में रखना है फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। दूसरा आपको ध्यान में रखना है इनकी जो रिकमेंडेशन है कि एडवाइजरी है, और जो भी आपका फिस्कल फेडरलिज्म, पैसों से रिलेटेड जो भी स्टेट और सेंटर के बीच में जो भी रिलेशन है उसको बैलेंस करके रखना। फिर हम बात करेंगे की रिकमेंडेशन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन। वर्टिकल डेवोल्यूशन का मतलब ये हो गया ऐसे कि सेंटर और आपका स्टेट, और विद इन स्टेट के लिए जो है उसको हम लोग बोलेंगे क्या, वर्टिकल डेवोल्यूशन। द शेयर ऑफ द स्टेट्स इन द सेंटर टैक्सेस वो बता दिया 41%, 1% लेस देन द 14th, तो 14th फाइनेंस कमीशन ने बताया था कि भाई 42% कर लो, और ये जो 1% है वो किसको प्रोवाइड करी जाएगी, जो भी आपका जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख में जो यूनियन टेरिटरी फॉर्म हुई है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ रिसोर्सेज जो है वो वहां पे चला जाएगा। उसके बाद हॉरिजॉन्टल में अगर आप बात करोगे जो स्टेट टू स्टेट वाला है, तो उसमें पॉपुलेशन भी होगा, एरिया भी होगा, फॉरेस्ट इकोलॉजी, इनकम डिस्टेंस, टैक्स एंड फिस्कल डेफिसिट, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, इनके बेसिस के ऊपर भी जो है आपका जो कमीशन जो भी आपकी रिपोर्ट बनाएगी कितना दो, तो वो इन सब फैक्टर्स को ध्यान में रख के करेगी। द रिकमेंडेशन टू क्रिएट अ नॉन लैप्सेबल पूल फॉर द डिफेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी अंडर द पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया। अभी नॉन लैप्सेबल का मतलब क्या है कि अगर आपने जो पैसा है जो भी आपका बजट में एलोकेट हुआ था वो अगर आपने उसको इस्तेमाल नहीं करा, तो वो जो है सारा का पैसा जो है वो आपका क्या कर जाएगा, आपका लैप्स कर जाएगा। ठीक है ना, इसीलिए आप देखोगे कि जो आपका आपका सितंबर अक्टूबर नवंबर वाला जो टाइम रहता है, आप देखोगे जो मिलिट्री एक्सपेंसेस होते हैं इसी टाइम होते हैं, क्योंकि उनको पता है, पहले उनको पता था कि भाई पैसा जो है वो लैप्स हो जाएगा, इसलिए जहां पे जो जो खर्चा हो रहा है उसको करते चले जाए। समझ में आ गया? तो ये आपको ध्यान में रखनी है। पर अभी क्या बोला है कि भाई इसको नॉन लैप्सेबल होगा, मतलब अगर बच रहा है, अगर जरूरत नहीं है तो आपको जो है पूरा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। ये वाली चीजें ऑलरेडी, ये वाला जो पोर्शन है हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, तो ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। बस हमें ये देखना है कि नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल कास्ट विजय सप्ला, इनको जो है अपॉइंट करा गया था एज अ चेयरमैन। समझ में आ गया? दूसरा, ये जो है आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसका काम होता है जो भी शेड्यूल कास्ट है इंडिया में उनके इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने का जो काम है ये करते हैं। फिर अगर हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के बारे में, तो देखो ध्यान से, आर्टिकल 338 ओरिजिनली, ठीक है, 1978 में जो है ये नॉन स्टेट्यूटरी था, 1987 में इस कमीशन को जो है रिनेम कर दिया गया
फिर उसके बाद 65 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत जो है इसको क्या प्रोवाइड करा दिया गया, ये मेंस में सवाल था कि भाई पहले तो आपने इसको स्टैट्यूटरी रखा, ठीक है, नहीं मेंस में सवाल ये नहीं था कि स्टैट्यूटरी से कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलने पे क्या क्या पावर्स मिलती हैं, क्या क्या चीजें, क्या क्या फैसिलिटीज मिलती है और सरकार ऐसे क्यों करती है, आप लोग जरूर बताइएगा मेरे को कमेंट सेक्शन में। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे देख लो कि सिंगल कमीशन बता दिया गया कि भाई इसके लिए सिंगल कमीशन मतलब शेड्यूल कास्ट के लिए और शेड्यूल ट्राइब के लिए। स्ट्रक्चर बता दिया गया भाई चेयरपर्सन होगा, वाइस चेयरपर्सन होगा और अपॉइंटेड कौन करेगा, प्रेसिडेंट आपके करेंगे। फंक्शंस देख लो क्या क्या है भाई, प्रेसिडेंट को ये एनुअल रिपोर्ट देंगे पहली चीज, दूसरा ये है कि प्रेसिडेंट इन सारी रिपोर्ट्स को पार्लियामेंट में टेबल करेंगे, ऑल्सो फॉरवर्ड्स एनी रिपोर्ट ऑफ द कमीशन पर्टेनिंग टू स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, और ये जो रिपोर्ट जाएंगी वो स्टेट गवर्नमेंट के पास भी जाएगी, मतलब गवर्नर, और गवर्नर फिर स्टेट लेजिस्लेचर में जो है इसको टेबल करेंगे। अब सवाल है कि इससे होगा क्या, ये जो रिपोर्ट है तो रिपोर्ट इज बेसिकली इट्स अ डेटा, और ये जो डेटा क्रिएशन हुआ होगा ऑब्वियसली बात है बहुत रिसर्च करके हुआ होगा, और इसीलिए ये स्टेट लेजिस्लेचर या फिर आप पार्लियामेंट में इसीलिए भेज रहे हैं सो दैट कि जो भी पॉलिसी मेकर्स हो उनके पास डेटा हो, जब वो डेटा करेंगे तो जो जो पॉलिसी होगी वो डेटा ड्रिवन होगा, पता चलेगा कहाँ पे क्या कमी है नहीं है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे नेशनल कमीशन फॉर एससी, तो इनके पास जो है आपको ध्यान में ये रखना है कि पहली बात तो एडवाइजरी वो है, दूसरा इट हैज द पावर ऑफ अ सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट का यहाँ पे नहीं है, ये आपका क्रिमिनल कोर्ट, ठीक है। The commission is vested with the power to regulate its own procedure, जिस तरीके से courts को दे रखा है, ठीक है। Discharge similar functions regarded to Anglo-Indian community, the commission was also required to discharge similar function with respect to OBCs, it was relieved by creation of, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास SC है, ST और ये backward commission के लिए जो है फिर अलग से बना दिया गया है। Vertical के बारे में मैंने already बात कर लिया था। The Supreme Court in Saurabh Yadav versus इतना case has clarified the position of law on the interplay of vertical and horizontal reservation. तो किस तरीके से जो है रिजर्व करेंगे देख लो यहाँ पे। फिर हम यहाँ पे बात करेंगे, देखो रिजर्वेशन बहुत लोग जो है इसको नेगेटिव लेते हैं, पर अगर आप स्टेट के नजरिए से देखोगे जो रिजर्वेशन है उसको एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के तहत जो है देखा जाता है, सो दैट इससे आपका जो इक्वालिटी है ये प्रोमोट होगा, किसके बीच में, मार्जिनलाइज सेक्शन के बीच में, सो एज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द सोशल एंड द हिस्टोरिकल, तो जो भी उनके साथ ज्यादती हुई है चाहे वो हिस्टोरिकल ज्यादती हुए या फिर करेंटली हो रही है, तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए जो है ये रिजर्वेशन जो है इनको दिया जाता है। रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है कि इनको थोड़ा सा प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलेगा, ठीक है ना, क्योंकि इनके पास क्या नहीं है इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट और एक्सेस टू एडुकेशन, क्योंकि इनके पास ना तो सही से जॉब है ना एडुकेशन है, ठीक है ना। ओरिजिनली डेवलप टू करेक्ट द इयर्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, तो जो भी डिस्क्रिमिनेशन के दौर से इन्होंने ये लोग इन लोगों ने गुजारा है, तो इसीलिए जो है उसको सही करने का एक जरिया जो है रिजर्वेशन को बनाया गया। इन इंडिया पीपल हैव बीन हिस्टोरिकली डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट द बेसिस ऑफ द कास्ट, तो कास्ट के बेसिस पे जो है बहुत लोगों का डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। वर्टिकल की अगर आप बात करोगे तो रिजर्वेशन फॉर द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस इज रेफर्ड टू एज वर्टिकल रिजर्वेशन, ये समझ में आ गया कि भाई अलग 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 SC ST इसके लिए जो है जो भी रिजर्वेशन होगा उसको हम लोग बोलेंगे वर्टिकल रिजर्वेशन। It applies separately for each of the groups, ठीक है, उसके बाद okay, उसके बाद हमारे पास horizontal देखते हैं। तो horizontal में क्या देखने को मिलेगा, horizontal में हम बात करेंगे equal opportunity की, ठीक है ना, जैसे कि आपके women हो गए या फिर veteran हो गए या फिर transgender community हो गई, तो उनके लिए जो है वो होगा आपका horizontal reservation। और ये कहाँ पे मेंशन है, आर्टिकल 15(3) जो की बात करता है किसकी, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की। और यहाँ पे देखो आप बात करेगा जो वर्टिकल वो है वो बात करता है आर्टिकल 16(4) के, ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आप देखिए कि कौन कौन से, ये तो हमने बात कर ली आर्टिकल 15(3) कि भाई आप अगर कुछ भी लॉ लेके आ सकते हो तो वुमेन के फेवर में जो है आप लेकर आ सकते हो, वुमेन को स्पेशल ट्रीटमेंट जो है मिल सकता है। आर्टिकल 15(4) 16(4) में देखो क्या है कि उसमें बात करा जाएगा कि भाई गवर्नमेंट सर्विसेज में जो है SC और ST के लिए जो है रिजर्वेशन सीट्स होगी। सिमिलरली आर्टिकल 330 और 332 में
आप देखोगे कि बोला गया है कि पार्लियामेंट में भी जो है रिप्रेजेंटेशन होगी एससी और एसटी की, पार्लियामेंट के साथ साथ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में भी जो है होगी। तो इससे डील करने के लिए जो है कहीं ना कहीं सरकार काम कर रही है, ठीक है ना। उसके बाद आप देख लोगे कि पंचायत में भी होगा, म्यूनिसिपैलिटी में भी होगा, ठीक है ना। तो और दूसरी चीज ऐसा नहीं है कि भाई आपने जो है रिजर्वेशन के नाम पे जो इनको डाल दिया। जो ध्यान में रखना है कि जो एफिशिएंसी है एडमिनिस्ट्रेशन में वो आपकी मेंटेन रहे, ठीक है ना। कमिटीज कौन कौन सी है, कमिटीज आप लोग देख सकते हो। सबसे पहला जेएल नेहरू गवर्नमेंट हैड सेट अप अ फर्स्ट बैकवर्ड कमीशन, तो वो कौन सी कमेटी थी, काका केलकर कमेटी, ठीक है ना। उसके बाद कौन सी आई, मंडल कमेटी आई आपकी, तो ये आपको ध्यान में देखना है। फिर आपकी कौन सी आई, इंदिरा सोनी कमेटी, और रिसेंटली 2017 में कौन सी आई, आपकी रोहिणी कमीशन, रोहिणी कमीशन आया, ठीक है ना। जिन्होंने क्या बात करा, जिन्होंने बात करा सब कैटेगराइजेशन विद इन द ओबीसी इन द सेंट्रल ईस्ट। अब देखो जो रिजर्वेशन बनता है वो इस कम्युनिटी के लिए बनता है, इस कास्ट के लिए बनता है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इनसे जो सरकार को पैसा मिलता है तो पूरे के पूरे कम्युनिटी कुछ तो ग्रो करेंगे कि नहीं करेंगे। तो इन पूरे में से जो है कुछ लोग जो है वो ग्रो कर जाते हैं, कुछ लोग जो है वो ग्रो कर जाते हैं, पर फिर भी जो है उनको रिजर्वेशन का बेनिफिट जो है वो फिर भी उठाते हैं, ठीक है। तो सरकार ने क्या है, मान लो कि ओबीसी है कि आप बात यहाँ पे कर रहा है कि ओबीसी के अंदर भी जो हम सब कैटेगराइज करेंगे, उसमें भी हम देखेंगे किसकी इनकम लिमिट कितनी है नहीं है। तो जिसकी जिसको सबसे ज्यादा जरूरत है, मान लो इस वाले पोर्शन को सबसे ज्यादा जरूरत है, पर क्योंकि ये लोग पढ़े लिखे नहीं है, इनको फैसिलिटी अवेल नहीं होती, तो ये वाला जो आपका ग्रुप है ये सारा का सारा जो बेनिफिट है वो आपका उठा लेता है। तो जो पर्पस है रिजर्वेशन का वही आपका डिफीट हो जाता है। तो सब कैटेगराइजेशन से क्या होगा कि भाई इसके अंदर जो आपके एलाइट है उनको हटा के, जिनको मान लो कि ये वाला पोर्शन जो है इनको नीड है, तो पैसा जो है, जो स्कीम्स है, जो बेनिफिट है, उनको यहाँ पे इस लेवल पे देखने को मिलेगा। अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक सबको मिल रहा था बिकॉज दे बिलोंग टू दिस पर्टिकुलर कास्ट। ये क्लियर हो गया। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव ऑन कोटा इन प्रमोशन, देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं। Recently, the Supreme Court has asked the Attorney General K.K. Venugopal to compile the various issues raised by the states with regard to the application of the Constitutional Bench M. Nagaraj case में जो भी चीजें हैं, जो भी applications हैं, उसको देखो क्या है नहीं है। तो बात करेंगे। Article 335 जो है, it recognized that the special measures need to be adopted for considering the claims of SCs and STs in order to bring them level playing field. तो मान लो इसको इस तरीके से समझो कि ये मान लो आपका रेस का ट्रैक है, ये आपका जनरल कैंडिडेट है, और ये मान लो आपका क्या है, ये मान लो आपका बैकवर्ड है एससी एसटी ओबीसी। तो इसको जो है आप अगर यहाँ से रेस दौड़ोगे, ठीक है ना, तो उनको जो बोला जाएगा कि भाई आप यहाँ से दौड़ो, क्योंकि आपके पास तो पैसे थे, आपने ट्रेनिंग करी है, और इनके पास तो पैसे नहीं थे ट्रेनिंग करने के लिए। तो इसको जो है थोड़ा सा जो है इनको एज दिया जाता है, सो दैट की लेवल प्लेइंग फील्ड जो है इनके लिए बनाई जा सके। इसलिए आप देखोगे कि क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट जो है, जैसे कि मैंने आपसे कहा था सब कैटेगराइजेशन का, तो यहाँ पे उन्होंने बात कर दिया किसके बारे में, यहाँ पे उन्होंने बात कर दिया क्रीमी लेयर के बारे में। क्रीमी लेयर देखो क्या है इसमें, इट वाज फर्स्ट मेंशन्ड इन द लैंडमार्क जजमेंट इन द इंदिरा सोनी केस 1992। अब इस ये जो टर्म है वो है क्या, तो ये जो टर्म है ना, इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब सम मेंबर्स ऑफ द बैकवर्ड क्लास। तो जो भी बैकवर्ड क्लास के जो मेंबर्स है उनके लिए जो है ये टर्म इस्तेमाल करा गया है, हु आर सोशली इकोनॉमिकली एज वेल एज एजुकेशनली एज एडवांस। तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया, ये वाला जो आपको मैंने डायग्राम दिखाया था, तो ये वाला जो तबका है जो ग्रो कर गया है वो आपका क्रीमी लेयर के कॉन्सेप्ट में जो है वो आपका आ जाएगा। समझ में आया। दे लैप अप ऑल द बेनिफिट्स। अब उनकी वजह से क्या होता है कि जो भी रिजर्वेशन के अंदर जो बेनिफिट प्रोवाइड करी जाती है, क्योंकि वो एडवांस होते हैं, एडुकेशनली एडवांस होते हैं, क्योंकि वो आपके सोशली वो होते हैं, इकोनॉमिकली होते हैं, तो सारा का सारा जो बेनिफिट है वो ले लेते हैं, ठीक है ना, विदाउट अलाउइंग बेनिफिट्स टू रीच द ट्रूली बैकवर्ड मेंबर्स ऑफ दैट क्लास। तो उस क्लास के जो जिनको एक्चुअली में जरूरत है, तो उन तक जो है वो बेनिफिट जो है आपकी नहीं पहुंचाई जाती है, नहीं पहुंच पाती। तो नागराजन केस में देखो क्या बोला, इट रिवर्स द स्टांस इन द इंदिरा सोनी केस इन दिस अप्लाइंग द क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट इन एससी एसटी रिजर्वेशन इन प्रमोशन। सुप्रीम कोर्ट रिवर्स इट, जैसे कि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है अपने डिसीजन को जो है वो चेंज कर सकते हैं, वो रिव्यू कर सकते हैं। तो रिवर्स द स्टांस इन द इंदिरा सोनी केस इन द फॉलोइंग अप्लाइंग द क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट इन एससी एसटी रिजर्वेशन इन प्रमोशन इन विच इट हैड एक्सक्लूडेड
द क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट ऑफ एससी एसटी व्हिच वाज एप्लीकेबल ऑन ओबीसी. तो ये आपको ध्यान में रखना है. जो भी आपके इट ऑल्सो अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स 77th, 81, 82, 85 के तहत जो है ये जो प्रोविजन जो है 64A, 64B को जो है इंसर्ट कराया गया था. ठीक है. एंड ये बताया गया था कि ये जो प्रोविजन है इट फ्लो फ्रॉम द आर्टिकल 16(4) एंड दे डू नॉट ऑल्टर द स्ट्रक्चर. तो ये आर्टिकल्स डालने के बाद भी जो है कि जो स्ट्रक्चर है ना आर्टिकल 64 का वो आपका चेंज नहीं हुआ है. तो ये आपको ध्यान में रखना है. अब देखते हैं आर्टिकल 16(4) के बारे में क्या बात करेगा. इट प्रोवाइड्स दैट द स्टेट कैन मेक एनी प्रोविजन. ठीक है ना. स्टेट जो है कोई भी प्रोविजन बना सकती है फॉर द रिजर्वेशन और द अपॉइंटमेंट और द पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजंस. ठीक है. जो कि स्टेट को अगर लगता है कि दे आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन द सर्विस. समझ में आया. तो यहाँ पे जो है सरकार जो है वो डिस्क्रिमिनेट कर सकती है. सरकार जो है वो एक्स्ट्रा एफर्ट जो है वो डाल सकती है सो दैट कि जो सिटीजंस बैकवर्ड क्लास को बिलोंग करते हैं उनका रिप्रेजेंटेशन जो हो वो सर्विस में देखने को मिले. साथ के साथ ये जो डाला गया था 16(4) इसमें बोला गया था इट प्रोवाइड्स दैट द स्टेट कैन मेक एनी प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन इन मैटर फॉर द प्रोमोशन इन फेवर ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब इफ दे आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड अंडर द स्टेट. तो ये जो है प्रोमोशन से रिलेटेड भी और अपॉइंटमेंट से ध्यान से सुनना. यहाँ पे बात करी अपॉइंटमेंट के बारे में. यहाँ पे बात करी है इसके बारे में. यहाँ पे बात करी है प्रमोशन के बारे में. यहाँ पे बात करी है बैकवर्ड क्लास के बारे में और यहाँ पे बात करी है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के बारे में. ये वाले जो प्रोविजन है ये वाला ऑलरेडी हमने इसको डिस्कस कर लिया था. ठीक है ना. इन सब चीजों को ऑलरेडी हमने डिस्कस कर दिया था कि क्या क्या है. तो एक बार इसको जो है आप लोग एक बार इसको पढ़ लोगे अच्छे से. बैकवर्ड कमीशन आपका ये हो गया और उसके बाद इंदिरा सोनी केस 1992, रोहिणी कमीशन, इसके प्रोविजंस को आप एक बार पढ़ लोगे बिकॉज ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत चाहिए होता है इन सब चीजों में. उसके बाद 1640B में क्या बोला देखो. उसमें ये बोला विच अनेबल द अनफुलफिल्ड एससी एसटी कोटा ऑफ अ पर्टिकुलर ईयर टू बी कैरिड फॉरवर्ड द नेक्स्ट ईयर. ठीक है. तो मान लो कि 2020 में जो है वैकेंसी आई. ठीक है ना. एससी एसटी से रिलेटेड वैकेंसी आई. अब ऐसा नहीं होगा कि ये वाली सीट्स जो है 2022 में जो है ये जनरल सीट्स हो जाएंगी. नहीं. अगर एससी एसटी की थी तो 22 इसमें भी जो है ये एससी एसटी के लिए ही जो है वो रहेगा. समझ में आया. आर्टिकल 335 इट रिकॉग्नाइजेस दैट द स्पेशल मेजर्स नीड टू बी अडॉप्टेड फॉर कंसीडरिंग द क्लेम्स ऑफ एससीज एसटीज टू द सर्विस एंड पोस्ट इन ऑर्डर टू ब्रिंग एट पार. तो रिप्रेजेंटेशन का अगेन वो गेम है कि भाई रिप्रेजेंटेशन जो है डेमोक्रेसी है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई दब रहा है. वल्नरेबल सेक्शन की आवाज ही नहीं है. तो इसीलिए जो है इस टाइप के आपके प्रोविजन जो है वो आपके बनाए गए हैं. कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आप एक बार देख लोगे कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जिस जिस तरीके से जो है सोसाइटी इवॉल्व हुई है, पॉपुलेशन बढ़ी है, कमीशन बिठाए गए हैं रिपोर्ट्स के बेसिस पे, डेटा के बेसिस पे जो है कॉन्स्टिट्यूशनली कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो है वो आपके दिए गए हैं. उसके बाद हम बात करेंगे लोकल रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर के बारे में. तो इसमें क्या था कि हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट, अब हरियाणा ने जो है इस एक्ट के तहत जो है उन्होंने ये बोल दिया कि 75% ऑफ द प्राइवेट सेक्टर जॉब्स आर फॉर द पीपल ऑफ द स्टेट. तो सवाल ये है कि सर आप क्या जब ये लोग जब इस टाइप के प्रोविजंस ले रहे थे क्या ये सुप्रीम कोर्ट में जाके चैलेंज नहीं होगा. ठीक है. अब देखो यहाँ पे क्योंकि पहले इसको समझते हैं. इट प्रोवाइड्स एज अ 75% जॉब कोटा फॉर द लोकल पीपल इन अ प्राइवेट सेक्टर हुज ऑफर. तो सब में नहीं, 50,000 से जो भी सैलरी होगी ना, जो 50,000 से जो कम वाली जो सैलरी होगी उसके लिए जो जॉब कोटा जो है रख दिया गया है. अब ये जो अप्लाई होता है कहाँ कहाँ, ये अप्लाई होता है प्राइवेट कंपनीज में, सोसाइटीज में, ट्रस्ट में, पार्टनरशिप फर्म्स में. ठीक है ना. और जो भी अदर जो कि आपकी स्टेट में लोकेटेड हो. इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू ऑर्गेनाइजेशन हैविंग 10 और मोर एम्प्लॉयज. अगर ऑर्गेनाइजेशन छोटी भी है तो ये उसमें भी जो है अप्लाई होती है. Firms and companies need to register all of their employees receiving a gross salary of itna or less on a government portal and update it regularly. ठीक है. तो ये कहीं ना कहीं accountability का जरिया भी है कि भाई आप ऐसे नहीं कि आपको हमें भी बताना है. It will be applicable to the new job openings only. जो भी new jobs होंगी वो उन्हीं में जो है applicable होगा. So that कि it won't affect the outsiders already working in the private sector. तो जो already बाहर से लोग काम कर रहे हैं तो उनके जॉब जो है रिस्क में ना आ जाए. ठीक है ना. अब देखो यहाँ पे क्या क्या बोला गया.
An exemption can be claimed by the employer when there were enough numbers of the local candidates are not available with a desired skill. तो उस केस में जो है भाई बोला गया है कि आप जो है इनको फिर वो भी करो, क्या बोलते हैं, स्किल सेट भी प्रोवाइड करो, ठीक है ना. An exemption can be claimed by the employer when there are enough number of the local candidates are not available with a desired. तो जो भी आपका skills है, exemptions यहाँ पे दिया गया है. अब रिक्शे वाले को थोड़ी जाके आईटी में बैठा लोगे कि भाई नहीं नहीं हम तो लोकल हैं और हमें तो है 50,000 वाली नौकरी चाहिए. तो भाई स्किल सेट भी तो होना चाहिए, क्वालिफिकेशन होना चाहिए, प्रोफिशिएंसी जो है होना चाहिए, ठीक है. और ये जो क्लेम है ना, जो एग्जेम्पशन है, उसको कौन देखेगा? उसको देखेंगे डेप्यूटी कमिश्नर और उनसे ऊपर वाली रैंक के जो भी हायरार्की में होते हैं उनको देखेंगे. पेनल्टी कितनी है? 10,000 से लेके 2,00,000 तक का जो है नॉन कंप्लायंस में जुर्माना आपका हो सकता है. डोमिसाइल सर्टिफिकेट वुड बी मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट सीकिंग बेनिफिट. डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है उसको क्या बना दिया गया है? उसको मैंडेटरी जो है वो बना दिया गया है. अब अगर आप देखोगे दूसरे स्टेट्स के मुताबिक, ये आपका कौन कौन से है, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश में भी जो है इस टाइप के प्रोविजंस को लेकर आगे, उत्तराखंड में भी इस टाइप के प्रोविजंस है. आप देखोगे कर्नाटका, जो भी ग्रुप सी ग्रुप डी के लिए जो है आपके इस टाइप के प्रोविजन जो है वो रखा हुआ है. अब बात करेंगे जो मेन मुद्दा है कि जब पता था कि ये केस जो है या फिर इस टाइप की चीजें जो है वो कोर्ट में जा सकती हैं, तो क्यों? सबसे पहले यहाँ पे ध्यान से देखो आर्टिकल 16(4) में क्या बोला है. इट प्रोवाइड्स फॉर द इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजंस इन मैटर्स रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट. अब ये सबसे पहली चीज आपको ये देखना है कि ये जो है प्राइवेट कंपनीज है तो फंडामेंटल राइट्स को ये वायलेट नहीं कर रही है, पहली चीज समझ में आया. दूसरा, इसमें ये बोला है कि डिस्क्रिमिनेशन का जो ग्राउंड है वो रिलीजन नहीं होना चाहिए, वो रेस नहीं होना चाहिए, कास्ट नहीं होना चाहिए, सेक्स नहीं होना चाहिए, डिसेंट या प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस और इनमें से कुछ भी नहीं होना चाहिए. तो ये जो प्रोविजन बनाया गया है ये बनाया गया है लैंग्वेज के बेसिस के ऊपर, इसलिए उनसे डोमिसाइल मांगा गया है. समझ में आया लॉजिक? तो इसको जो है इसको बाईपास करके जो है इस टाइप के प्रोविजन जो है सरकार ने लाने की कोशिश करी है. तो आपको ये चीजें यहाँ पे ध्यान में देखनी पड़ेगी. अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स के बारे में, तो यहाँ पे देखो द सुप्रीम कोर्ट डिस्कस द इशू ऑफ लेजिस्लेशन फॉर द सन्स ऑफ द सॉइल. सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द सच पॉलिसीज वुड बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल. उन्होंने सिर्फ बोला है कि इस टाइप की पॉलिसीज जो होंगी वो अनकॉन्स्टिट्यूशनली, बट डिड नॉट एक्सप्रेसली रूल ऑन इट. ये हम बात करें 1984 में. 1995 में ऐसा केस आया, उसमें देखो क्या है, द कोर्ट स्ट्राइक्स डाउन द स्टेट गवर्नमेंट पॉलिसी दैट गिव 5% एक्स्ट्रा वेटेज टू द कैंडिडेट्स हु हैड स्टडीड विद तेलुगु एज द मीडियम ऑफ. तो यहाँ पे भी जो है क्या है, यहाँ पे भी लैंग्वेज एज अ बार का इस्तेमाल किया गया है. अब ये क्या किसने करा है? सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये आपका करा है, ठीक है ना. फिर हम बात करेंगे कास्ट सेंसस के बारे में. सो देखो यहाँ पे क्या होता है, आपको पता है कि आपका सेंसस लिया जाता है, इट्स अ डेटा related to your citizen, it's a related data to your population, क्या आपके territory के अंदर कितनी जनता रह रही है, तो उससे related जो है ये data है. तो देखो क्या है, recently the union government has filed an affidavit in the Supreme Court claiming that a caste census of the backward class is administratively difficult. कि जो भी आपका backward classes का जो caste census है ना, उसको collect करना, it's a very difficult task. The government assertion came in response to a writ petition filed by the state of Maharashtra to gather backward classes caste data in the state while conducting. तो ये आया था महाराष्ट्र की तरफ से कि भाई जब आप census 2021 कराओगे तो आप जो है बताना कि भाई हमारी इसमें कितने backward class से लोग जो है कितने belong करते हैं. अब देखो दो type की चीजें हैं, एक आपका है population census जो कि ये बताएगा it is the total process of collecting, compiling, analyzing, disseminating demographic, economic, social data pertaining to a specific time, all persons in a country or well-defined part of the country. ठीक है ना, तो population के बारे में ये बात करेगा. अब over a period of time, क्योंकि हमें जो है हमें सिर्फ इससे मतलब नहीं था कि हमारी population में कितने लोग हैं, ठीक है ना, तो हमें और भी चीजें चाहिए. तो इसीलिए बोला गया है कि census में जो है over a period of time evolve हुआ है और जिसका इस्तेमाल जो है government policy making के लिए, policy makers के लिए या फिर academic study के लिए भी जो है जो इंडियन पॉपुलेशन के लिए जो है वो कर सकती है, ठीक है. सेंसस ये इंपॉर्टेंट है, द इंडियन सेंसस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइजेस अंडरटेकन इन द वर्ल्ड, ठीक है. दूसरा, कौन से मिनिस्ट्री है? होम अफेयर्स है. और होम अफेयर्स के अंदर कौन सा डिपार्टमेंट है आपको ध्यान में रखना है? ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर, ठीक है ना.
इनका लीगल स्टेटस क्या है, सेंसस इज कंडक्टेड अंडर द प्रोविजंस ऑफ द सेंसस एक्ट, तो मतलब लीगल वो है आपका स्टैट्यूटरी है। द बिल फॉर दिस एक्ट वाज पायलटेड बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब देख लो यहाँ पे सिंपल सा फंडा कि भाई ये जो है आपका क्या है, ये आपके एक्ट है तो स्टैट्यूटरी बैकिंग हुई, ठीक है ना, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग नहीं है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे देखो आ गया सही, मैंने यहाँ पे ये बोला देखो पॉपुलेशन का जो है, द पॉपुलेशन सेंसस इज अ यूनियन सब्जेक्ट अंडर 246, तो क्या सेंसस हमारे उसमें मेंशनड है, तो आंसर इज यस। और इसको जो है इसकी बैकिंग जो है वो दी गई है किसके द्वारा, इसकी बैकिंग जो है जो कंडक्ट होगा, ध्यान से सुनना, जो कंडक्ट होगा वो इस तहत के अंदर होगा, ठीक है ना। उसके बाद आपको ये ध्यान में रखना है 69 ऑफ द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये आता है। दूसरा यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है प्रिंस पॉइंटर से। क्या बोला गया है, इंफॉर्मेशन कलेक्टेड ड्यूरिंग द पॉपुलेशन सेंसस इज सो कॉन्फिडेंशियल दैट इट नॉट इवन एक्सेसिबल टू द कोर्ट ऑफ द लॉ गारंटीड बाय द सेंसर एक्ट ऑफ 1948। तो जो भी डेटा कलेक्ट हुआ है तो इसका एक्सेस जो है कोर्ट के पास भी जो है वो नहीं मिल सकता। अब ये जो हिस्ट्री बात करेंगे कुछ हिस्ट्री के बारे में, तो आप लोग एक बार इसको खुद ही पढ़ लेना, ऋग्वेद हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, एनी एक परी, कि पहले के टाइम पे भी जो है पॉपुलेशन हो गया, कितने इंडस्ट्रीज है उनके बारे में जो है बात की गई है, ठीक है ना। तो इतना आप लोग एक बार इसको पढ़ लेना। यहाँ पे देखो क्या है कि 19 द सेंसस ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया हुआ 1951 में, ठीक है ना। उसके बाद 11th सेंसस हुआ 1971 में। सर अभी तो आपने फर्स्ट का देखो, पर ये जो है ये आपकी पर सेंसस जो है इससे पहले भी चलता रहा था, मतलब 1951 में तो वो इंडिपेंडेंट इंडिया का था, बट जो सीरीज जो कॉन्टिन्यूसली चल रही थी वो 7th सीरीज में, समझ में आया, वो आप लोग देख लेना थोड़ा सा। और ये जो 1971 वाला जो था ये हमारा दूसरा था। फिर अगर हम बात करेंगे 2011, तो इसमें देखो इसमें बात करी गई थी ईएजी स्टेट्स के बारे में, एम्पावर्ड एक्शन ऑफ ग्रुप स्टेट्स के बारे में जो है बात करी गई थी। ओके, पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में, अब ये वाला जो कोविड की वजह से जो 2021 में होना था इसको पोस्टपोन जो है करा दिया गया। उसके बाद ठीक है, आई थिंक इसमें अब इसमें बोला गया कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम थोड़ी सी डाइवर्सिटी रखेंगे, इसमें ट्रांसजेंडर कम्युनिटी और अलग अलग डेटा जो है वो आपका कंडक्ट होगा। उसके बाद यहाँ पे दूसरा, जैसे कि हमने कहा था स्टार्टिंग में, एक होता है आपका पॉपुलेशन सेंसस जिसमें हम बात करेंगे पॉपुलेशन से रिलेटेड चीजें, फिर हम बात करेंगे सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के बारे में। तो इट वाज कंडक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1931, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि 1931 में जो है सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जो है इसको कंडक्ट किया गया था। अब इसका मतलब ये था कि भाई इसका मतलब ये था कि जो भी इंडियन फैमिली है, चाहे वो रूरल हो चाहे वो अर्बन हो, मतलब जो भी हमें पिक्चर चाहिए, थोड़ी सी और क्लैरिटी चाहिए लोगों के इकोनॉमिक स्टेटस के बारे में जो है हमें पता होना चाहिए। उस तरीके से क्या होगा कि पता चल पाएगा कि किसको बेनिफिट मिल रहा है, बेनिफिशियरीज कितने हैं, कितनों को और देना है, तो नेक्स्ट टाइम में भी बजट में जो है हम कुछ ज्यादा एलोकेशन करेंगे पैसों को लेके, ठीक है ना। इकोनॉमिक स्टेटस टू अलाउ सेंट्रल एंड स्टेट अथॉरिटीज टू कम अप विद अ रेंज ऑफ इंडिकेटर्स ऑफ डिप्रीविएशन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन Each should be passed for each authority to define a poor or a deprived person. जैसा कि मैंने कहा था पहले कि हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करेंगे ये जानने के लिए कि भाई कितनी deprivation है। मान लो कि 2021 के बजट में जो है 1,00,000 करोड़ रुपए हुआ, पर डेटा निकल के आया तो अगले साल जो होगा ऑब्वियसली बात है वो मे भी सरकार 1,50,000 करोड़ भी कर सकती है। फिर इसमें देखो कि भाई 2023 में ये 2,00,000 करोड़ भी हो सकता है। ये जो बजट एलोकेशन इंक्रीज हो रहा है कोई तो रीजन होगा ना, किसी कोई बेसिस तो होगा ना। अब इसका मतलब क्या था, इट ऑल्सो मेंट टू आस्क एवरी पर्सन देयर स्पेसिफिक कास्ट नेम टू अलाउ द गवर्नमेंट टू री इवेल्युएट विच कास्ट ग्रुप्स आर इकोनॉमिकली वर्स ऑफ एंड आर बेटर ऑफ। दिस हैज द पोटेंशियल टू अलाउ फॉर अ मैपिंग ऑफ इनइक्वालिटीज। अब इससे क्या होता है कि हमें ये पता चल जाएगा इलेक्शन के टाइम में जो है ये आपका हो सकता है, कैसे, जब हमें पता चल जाएगा कि इस स्टेट के लोग इतने ज्यादा हैं तो हम जो है उनको टारगेट कर सकते हैं और उनको उनकी भलाई के लिए जो टारगेट कर सकते हैं जिसका बेनिफिट हमें इलेक्शन के टाइम में जो है मिल सकता है। तो बात करेंगे डिफरेंस और सेंसस और इसके बारे में। जो सेंसस होता है वो इंडियन पॉपुलेशन को ध्यान में रखता है, जो आपकी SECC है वो आपकी जो बेनिफिशियरीज हैं, जो कि स्टेट के स्टेट जो है जिनको सपोर्ट करिए वो उसके बारे में आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है। जो सेंसस के अंदर जो डेटा फॉल करता है दे आर ऑल कॉन्फिडेंशियल, ठीक है ना, बिकॉज उसमें पर्सनल इंफॉर्मेशन भी होता है, बट इसके अंदर जो है डेटा को ओपन रखा जाता है और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है इसको यूज कर सकती हैं।